आकाश भाई, आकाश भाई, बहुत आवाज आ रही है. ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही कमाल का. मैं तो इतना थैंकफुल हूँ भगवान का, क्योंकि ऐसे मेरे कितने दोस्त हैं जिन्होंने 50 तक की उम्र नहीं देखी. कितने दोस्त चले गए हमारे, जल्दी चले गए, और मैं 50 तक पहुँच रहा हूँ. भाई तो पहुँचा नहीं, अभी भी कुछ टाइम बाकी है. तो कुछ भी हो सकता है, बट आई ऑलवेज फील कि जो ज़िंदगी दी है बहुत कमाल की ज़िंदगी दी है. जब मैं पहली बार सिंगर बनने के लिए आया था मुंबई में 1991 में, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा परिवार इतना बड़ा हो जाएगा. आप यकीन मानेंगे मैंने कुछ नहीं किया आज के लिए. सारे मेरे भाई लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने आकाश भाई, भावेश भाई, अमित, सायरा, ये लोग सब ने मिल के, मेरे पूरी फैमिली ने मिल के ये सब अरेंज किया हुआ है. मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं सिर्फ आया हूँ यहाँ पे. कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना लोग इतना प्यार करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं 50 का हो रहा होऊंगा और मेरा परिवार इतना पूरा इंडियन डायस्पोरा बाहर का भी वर्क और ये सब हमें मिलेगा इतना प्यार. सो थैंकफुल टू गॉड, बहुत मेहरबानी भगवान की. सब बात करो, आपकी आवाज़ की बात करो, पर्सनैलिटी की, तो कोई बोल नहीं सकता कि 50 हो चुका है. क्या राज है इसके पीछे का, सबसे पहले ये बताइए. सबसे पहले तो इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता किसी भी बात का. हर चीज़ जो होती है वो भगवान देता है, जिसको भी मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, मैं यूनिवर्स को मानता हूँ, तो वो यूनिवर्स देता है, मैं इसका क्रेडिट ले नहीं सकता. ये है कि मैं रियाज बहुत करता हूँ, मैं बहुत रियाज करता हूँ, और मैं फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, और मैं खुश रहता हूँ. मेरे एजेंडाज नहीं लाइफ में, मुझे पता है कि मैं कल मर सकता हूँ, ये इसी पल मर सकता हूँ, तो मैं उस मोमेंट को जो मैं जहाँ जी रहा हूँ उसमें फुल देता हूँ. खुशी, मस्ती, प्यार, मोहब्बत, मेहनत, मैं सब देता हूँ उसमें. तो आई थिंक ये सब चीज़ें पर्सनैलिटी में आ जाती है. गाने को लेके जिस तरह से शुरुआती दौर था गाने का, और आज हम देखते हैं इतने सारे कॉन्सर्ट होते हैं. Tell us something about your last concert. How was it? And किस तरह से आने वाले समय में किस तरह के गाने आपकी तरफ आने वाले? मेरा आखिरी कॉन्सर्ट पता है कब था? कल रात को था. मैं दिल्ली में था और वहाँ से मुझे बोला गया, और एक वहाँ पे एक बड़े बहुत अच्छा आश्रम है, वहाँ पे उनका बर्थडे था, एक भोले बाबा जी हैं. तो उसमें कैन यू इमेजिन, 50 की उम्र से पहुँचने से पहले मेरा आखिरी कॉन्सर्ट में मेरे ऑडियंस में बैठे हैं सबसे बड़े गुरु जो हैं सिंगिंग के, सुरेश वाडकर जी, उनकी वाइफ बैठी हुई. तो पूरा शो उन्होंने देखा मेरा. 3 घंटा मैंने परफॉर्म किया और 2.5 घंटा मुझे लगा पहुंचने में उस जगह पे. इसमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है. भगवान ने, हर शो में तो सुरेश जी आते नहीं है, इस शो में सुरेश जी आए और मेरा लगा कि मुझे सरस्वती उतर के आई शो पे. हाँ जी, पर्सनैलिटी की बात की जी, मैंने नहीं की, मैंने पर्सनैलिटी बातें की, आपने की, मैंने कोई बात नहीं. अब तो हो चुका वो सब, अब कब क्या मतलब, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई. अब तो वापस दोस्त बन गए सब लोग. तो अभी तो मेरे ख्याल से वक्त वक्त की बात होती है. इंसान अपने दोस्त और दुश्मन चुनता नहीं है, बन जाते हैं. तो एक समय आता है जब कभी कभी लोगों को कुछ बातें बुरी लगती हैं, लेकिन जब लोग सच गहराई में जानते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि आदमी का इंटेंट जो है वो गलत नहीं है, ख़राब नहीं है, और हमें प्यार ही करता है. तो अभी मेरे समय सभी दोस्त हैं. निवान ने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा, बस इस सीक्रेट बताऊँगा. बात हमारा एक्चुअली बचपन तो हमारा ऐसे ही मतलब बड़ा एवरेज मिडिल क्लास था, तो बर्थडे से मनते नहीं थे हमारे. हमको ऐसे ही थोड़ी मिठाई खिलाते थे और खर्ची देते थे 5 रुपया. वहाँ मम्मी हलवा बनाती बहुत, तो करेक्ट बोला आपने. मुझे बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू बड़े पसंद थे. तो वही अच्छे बचपन की तो यादें वही हैं हमारी. और वैसे अभी हमारा फ्रेंड सर्कल जो है वही हमारी फैमिली है, तो उनके साथ में बड़े यादगार लम्हे होते हैं. पर जो आज हो रहा है वो कभी नहीं हुआ. सर, यू हैव गिवन सो मेनी आइकॉनिक सॉन्ग, आज एक आइकॉनिक सॉन्ग हमारे दर्शकों. मैं रॉकी और रानी में जो गाया वो सुनाओ. हाँ, रोलण दे रांझे आनो एक हीर तो हो के जुदा, रोलण दे
साहिबानो एक मिर्ज़ियां तो छूट के रोलड़ दे। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। थैंक यू सो मच। Today is a very special day. It's the 50th birthday of Sonu Nigam, a brother to me, and one of the big artists of India, singer of India, and a great human being. I wish him all the happiness, good health, prosperity, lots of music coming his way and his family. Thank you. My God, I 96, 27 साल, मतलब आधी से ज्यादा जिंदगी हम लोग दोस्त से बढ़ के रहे हैं, भाई रहे हैं। जिस दिन सोनू जी आए और मुझसे मिले, वो एक गाना गा रहे थे मेरी फिल्म घात के लिए, बस उस दिन से जो दोस्ती हुई है वो इतनी ज्यादा भाईचारे में बदली है कि मतलब व्हाट डू आई से, इतना प्यार मुझे नहीं लगता मुझे मेरे अपने भाई ने इतना किया होगा जितना वो मुझे करते हैं। एंड सेम ईयर एंड फैन तो हम उनके रहे हैं और रहेंगे, बट अब उससे आगे बढ़ गए हैं, एक फैमिली की तरह हैं। एंड इट्स एन ऑनर दैट वी आर ऑल हियर एंजॉइंग हिज 50th अमंग सो मेनी माइलस्टोन्स, दिस इज ऑल्सो वन माइलस्टोन एंड स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। I would like to wish him first and foremost a lot of happiness, health, and I know I'm aware that जो दुनिया ने सोनू निगम को सुना है और आज तक, मेरे ख्याल से उससे 10 गुना टैलेंट उनके अंदर है। तो वो हर स्टाइल में, हर टाइप की सिंगिंग में, माई गॉड, वो हम प्राइवेट सेशंस में तो सुनते हैं, अब वो उस लेवल की चीज़ें, शायद फिल्मों में सिर्फ नॉर्मल गाने होते हैं, बट आई थिंक दिस मैन कैन टच द स्काई। गॉड गिफ्टेड, रियली गॉड गिफ्टेड। सोनू यानी सोनू है, जहाँ जाए तो महफिल जमा देता है और अच्छा लगा, कभी देख सकते हैं हम कभी तक। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सोनू सर को इतना इतना लंबा सफर हो चुका है, बहुत यादगार और खूबसूरत सफर रहा है, सुहाना सफर रहा है। पहली बार जब आपने सोनू सर को देखा, उनकी आवाज़ सुनी, क्या आपके दिमाग में आया, क्या सहम में आया? देखिए, कोई आदमी चलता है जब तो कुछ बात होती है तब चलता है, और सस्टेन करना शुरू में तो कोई आ सकता है, लेकिन कंटिन्यूस करना बहुत बड़ी बात होती है, और इसके लिए अच्छा नेचर होना चाहिए, अच्छी बात होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सबके साथ। वो सब सोनू करते हैं और करते रहेंगे, यही उम्मीद है। और एक शब्द में अगर सोनू सर के बारे में अगर आप कहना चाहें, वो क्या होगा? एक शब्द में अगर सोनू सर को डिफाइन करना चाहें आनंद सर अपने लाइफ में। नाम के साथ सोनू है तो गोल्ड है, एवरग्रीन गोल्ड है। थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
आई थिंक सोनू अगर मैं कहूँ तो सब लोग जानते हैं कि गाना के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा रिश्ता जाहिर सी बात है गाने से ज़्यादा खाने से बना होगा। तो जितना सोनू गाना अच्छा गाते हैं, मैं कहूँगा कि उसे कहीं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और उसके लिए मतलब मैं इतने सालों से जब से मैं जानता हूँ, मैं ये कहूँगा कि सब कुछ खाने की ताकत है उनमें, सब कुछ खाना अच्छा लगता है। और जो फिर भी ऐसा दिखना तो बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि मतलब इतना अच्छा खाना खाने के बाद में भी ऐसा दिखना, और वो रियाज है। आई थिंक वो रियाज जो है, रियाज, मेहनत, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, आई थिंक दैट्स सोनू। मतलब सोनू ने ना सिर्फ गाना बट फिल्म में दी वे ही लुक्स, दी वे ही रॉक्स दी स्टेज, आई डोंट थिंक देर इज़ एनी पैरेलल हमारे इंडस्ट्री में, कोई ऐसा पैरेलल मैं कहूँगा, मुझे तो नहीं लगता कि 50 साल तो हो गए हैं और 50 साल, सो विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू रॉक। और आपके हाथ की सबसे वो खास चीज क्या है जो सोनू हमेशा मिस करता होगा, चलिए मतलब वो आया और अब मैं पहुंच रहा हूं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि सोनू से अच्छी दोस्ती होने की वजह से घर में खाने के साथ में गाने के सेशन हमारे घर में होते हैं, और सोनू को मीठा बहुत पसंद है, देखो मतलब कंट्रोल बहुत करते हैं लेकिन मीठा बहुत अच्छा लगता है। खाने में कोई नखरे नहीं है, सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई नखरे नहीं है, एंड इसी तरह से रहे और मुस्कुराता रहे और अच्छा। थैंक यू, थैंक यू सर। सबसे पहले जी क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह की भाई आपकी तैयारी है इस स्पेशल बर्थडे को लेकर? तैयारी तो सब आप देख रहे हो गए, और बड़ी खुशी है कि बेटा 50 इयर्स का हो गए वो, और बहुत अच्छी बुलंदियों पे हैं, ऊंचाई पे हैं, और एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और खुशी है बस बहुत। बचपन की वही यादें उनकी, बचपन से ही बस वेरी टैलेंटेड, मतलब गॉड गिफ्टेड है। तो बचपन से जब से होश संभाला तब से गाना है, ये मैंने देखा है। जब चलना नहीं आता था तब गाना आता था, क्योंकि एक बार वो कुछ गा रहे थे तो हमने कहा पता नहीं क्या गा रहे हैं, अचानक गाना आया वो हम तुम रात मिलन की, एक गाना था ना कि आजा गोरी सुन ले, तो वो कुछ करता था हम तुम लात, हमने कहा क्या बोलते, वो गाना आया तो ओ ये, तो उस हिसाब से वो बच, मतलब होश संभालते वो था। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग था? इतने सारे नंबर सारे जो जो अच्छे, सब अच्छे गए, कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसे के सब अच्छे गए, सब अच्छे गए। क्या कहें, इज अ लेजेंड, इज अ ब्रदर, इट्स अ लैंडमार्क बर्थडे फॉर एनीबॉडी। 50 इयर्स वो लगते 25 के हैं लेकिन 50 के होने जा रहे हैं, मेरी शुभकामना उनके साथ हैं, बहुत प्रिय हैं मेरे, एक अरसे से जानता हूं उन्हें, वन ऑफ द नाइसेस्ट गाइस आई हैव नोन इन द इंडस्ट्री, बहुत पुराना रिश्ता है, और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर हिम, ही इज़ कमिंग टू दिस साइड ऑफ 50, सो ऑल द वेरी बेस्ट सोनू, लव यू। मैं सच बताऊं ये अजीब सा लगेगा क्योंकि उनके जन्मदिन पे हूं और आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन उनका ऐसा शायद ही कोई गाना है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई एक गाना कहना है तो फिर अभी मुझ में कहीं इज़ माय फेवरेट सॉन्ग। मैं उन्हें कभी कभी 2-3 बजे फ़ोन करके हैरान कर देता हूँ कि यार एक लाइन गा दे और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स बिकॉज इट्स फुल ऑफ सोल। बाकी गाने भी बेहतरीन हैं लेकिन अभी मुझ में कहीं इज़ माई फेवरेट एंड विल रिमेन। कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि ये सिर्फ सोनू निगम ही हो सकता है, ये सिर्फ उनके अलावा और कोई पर्सनालिटी हो ही नहीं सकती है, इसलिए उनकी
ऐसी आदत कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वैसी आदतें उनकी तो आप बहुत प्रेस में देख चुके हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इज अ वेरी आउटस्पोकन गाय, जो सोचते हैं वो कहते हैं। कभी भी उन्होंने अपने स्टार्डम का इस्तेमाल नहीं किया। काफ़ी लोग डर जाते हैं स्टार्डम से और कहते हैं कि भैया आई विल सिट ऑन द फेंस, मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। लेकिन वो ऐसे नहीं है, जो सोचते हैं वो कहते हैं। कई बार इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ही इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग, और बहुत मुश्किल होता है हमारी इंडस्ट्री में ऑनेस्ट होना, बट ही इज़। सोनू, व्हाट कैन आई से टू यू ब्रदर, यू नो हाउ मच आई लव यू, आई नो हाउ मच यू लव मी। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी 50th, मेनी मेनी मोर इयर्स टू कम, एंड लव यू। बहुत खुशी है कि मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। सोनू जी रिस्पेक्टेड अक्रॉस द इंडस्ट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। मुझे भी सौभाग्य था उनके साथ काम करने का, उनके साथ गाने का, एंड आई एम हैप्पी टू कम हियर एंड विश हिम। आई लव हिज हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, सम टाइम लेटर। थैंक यू। मला त्या दिवशी त्यांचा फोन आला आणि मला सांगितलं त्याने की मी माझा 50वा वाढदिवस आहे। माझा खरं तर पहिला विश्वास नाही बसला की ते 50 वर्ष झालेत त्यांना बघून, पण माझ्यातर्फे माझ्या परिवारातर्फे मी त्यांना त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि उत्तरोत्तर त्यांची याहून जास्ती प्रगती हो हीच इच्छा। धन्यवाद। जो आपके हमेशा ताउम्र दोस्त रहते हैं, एंड आई थिंक सोनू फॉर मी इज़ दैट माय सोल बडी, एंड इट्स हिज 50th एंड अ लैंडमार्क। और ज़िंदगी के बहुत सारे लैंडमार्क्स हमने साथ में देखे, सो आई एम हियर टू जस्ट बी विद हिम, होल्ड हिज हैंड एंड सेलिब्रेट दिस मोमेंट। वो कितना अच्छा गाते हैं और हमने एक साथ कितने शोज़ किए, तो मुझे याद है एक एक गाने पर। मैं जब आई यूज़ टू होस्ट हिज शोज़, जब मैं बिगिन कर रही थी अपना करियर, तो हर गाने पे लगता था कि दिस इज़ अमेजिंग, बट ऑफ कोर्स देयर सो मेनी अभी मुझ में कहीं इज फ्रॉम माय मोस्ट फेवरेट। यस, समथिंग अबाउट इट, आइकॉनिक मूवी, फर्स्ट मूवी टू गो इनटू 100 करोड़, फर्स्ट स्पोर्ट्स मूवी टू गो इनटू 100। ओह, आई डिडंट नो दैट, बट आई डू फील वेरी प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कल्ट फिल्म लाइक भाग मिल्खा भाग। एंड आई थिंक एक जर्नी ऐसी रही जहाँ हमने सब ने एक साथ मिलके बहुत कुछ सीखा एक ऐसी ज़िंदगी से, और फॉर मी बतौर एक्टर आई थिंक इट वाज अ लैंडमार्क फॉर मी। हैप्पी बर्थडे कहूँगा, और अपने आप को मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे भगवान ने मौका दिया एक बार जज बनने का दिल्ली में, जहाँ मेरी मुलाकात सोनू से हुई। छोटा सा बच्चा था और मैंने परख लिया था ये लड़का बहुत आगे जाएगा, तो मेरे नसीब में जब आया, मेरे भाग्य में वो आया, तो मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, क्योंकि ऐसा नायाब सिंगर हमारी इंडस्ट्री में है जिसने हर किस्म के गाने गाए हैं, और क्या नहीं गाया। उसका लॉन्चिंग पैड वो कहता है, वो खुद ही कहता है कि संदेश ही आते था। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इमोशनल फीलिंग फॉर मी पर्सनली एज अ कंपोजर, दैट आई हैड द चांस ऑफ वर्किंग विद सच अ टैलेंटेड बॉय। बहुत सी यादें हैं, बहुत कुछ कहना चाहूँगा मैं, लेकिन इतना फ़िलहाल कह सकता हूँ कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, खास करके संगीतकारों के लिए,
ये बहुत एक नायाब तोहफा है जिसको हम बड़े प्यार से, जब हम गाने बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसा कौन सा गाना बने जो सोनू उस पर 4 चांदी 12 चांद लगा दें। तो ही इंस्पायर्स अ कंपोजर टू मेक अ गुड सॉन्ग। और जितने भी मैंने गाने किए हैं वो बॉर्डर के हों, रिफ्यूजी के हों, LOC कारगिल के हों, मैं हूं ना हो, उससे पहले अर्लियर फिल्म्स, सभी गाने उसने मेरे बहुत अच्छे गाए हैं, हर किस्म के गाने गाए हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर ऑन हिज 50th बर्थडे सेलिब्रेशंस एंड गॉड गिव हिम अ लॉन्ग लाइफ एंड मोर सक्सेस। थैंक यू। क्या बात है यार, रॉक स्टार। थैंक यू थैंक यू। जैकेट चमका दीजिए। फिफ्टी के पास। अरे पता नहीं चला सोनू कब 50 पे पहुंच गया। सीरियसली अनबिलीवेबल। आज बड़ा स्पेशल दिन है एक्चुअली। 50 किसी भी इंसान की लाइफ में 50 की एक फिगर जो होती है ना, वो बहुत ही गोल्डन होती है जेन्युइनली। चाहे वो आदमी की ज़िंदगी में हो या क्रिकेट में हो। क्रिकेट में हम लोग हाफ सेंचुरी बोलते हैं, तो पहला सेलिब्रेशन जो होता है वो क्रिकेट में हाफ सेंचुरी का होता है। एंड आज सोनू की हाफ सेंचुरी है। ऑल्दो आई नो सोनू इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। सोनू और मैं शायद हम लोग मोर देन 2 decades, ऑलमोस्ट अबाउट 25 years वी हैव बीन फ्रेंड्स। एंड टुडे ही इज टर्निंग 50 एंड ही स्टिल लुक्स लाइक अ बॉय। यार मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इट इज़ सोनू 50th। एंड इट्स इनक्रेडिबल। आई मीन आई थिंक ही इज़ अ लेजेंड। ही इज़ ऑलरेडी अ लेजेंड यू नो एट सच अ यंग एज। एंड ही इज़ अचीव सो मच इन लाइफ यू नो विद हिज सिंगिंग एंड हिज टैलेंट। द होल वर्ल्ड loves him. So I think it is the best time to celebrate Sonu and his legacy. Sonu ke to har gaane mujhe har gaane pe mujhe maza aata hai, but uske bahut sare aise gaane hain, chahe wo suraj hua madham chand jalne laga, chahe wo ho, chahe har ghadi badal rahi hai roop zindagi, चाहे वो हो, चाहे अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी, मुझे उसके गाने में मज़ा भी आता बहुत। लेकिन आप गा भी बहुत अच्छा लग रहा, थोड़ा और गा दिए तो और अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, ये मैंने 3 गाने तो अलग अलग गा के बता दिए। उसके बर्थडे पे मैं चाहता हूँ कि वही सबको गाना सुना दे, वरना वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं तो फिर है ना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिंगर लोग के लंग्स में बहुत पावर होता है बिल्कुल। इसलिए शुरू करो अभी से अंताक्षरी लेके हरि का नाम। और क्या बाइट कुछ गाजर वाजर लाते तो खा लेता गा बाइट बाइट। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है उनका? मेरे क्या बोलू क्या, हाँ तो वो उसको प्लांट दे रहा हूँ भाई को। अच्छा हो गया रे, यहाँ क्या कर रहे, अंदर चलना। चले हैप्पी बर्थडे सोनू ब्रो। डार्लिंग वो गाना अपना हर घड़ी समझ गया ना, वो सब वही मैं बोल रहा था कि डार्लिंग वो बाबा का वो मेरा फेवरेट है। और भी आपका कोई फेवरेट है क्या? क्या बोला, हर घड़ी क्या बात है भिड़ू, तू भी बदल साथ में। इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के विख्यात गायक आदरणीय सोनू निगम जी का 50वां सालगिरह अभी कल ही होने वाला है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूं। मगर उन्हें देखने के बाद ऐसा तो नहीं लगता है वो 50 के हो गए, लगता है कि अभी अभी वो 35-40 के हो गए। उन्होंने जिस वक्त हमें आमंत्रित किया था तभी पता चला कि उनका 50वां सालगिरह वो बना रहे और सभी हमारे दोस्तों के साथ बना रहे, बहुत अच्छा लगा। मैं यही कहता हूँ, वो तो
अमर रहेंगे ही, उनका आवाज भी इस दुनिया में अमर रहेगा, इसी में शुभकामनाएं उनको देता हूं। और 50वीं सालगिरह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर सालगिरह में हमें उनकी याद जरूर आएगी, ऐसी उनकी काम करने की पद्धति है और ऐसा उनका प्यार इतने सालों में उन्होंने हमें दिया है। धन्यवाद। तो फेवरेट सॉन्ग जो आपके दिल के बड़ा नहीं, देखिए उनके तो सॉन्ग फेवरेट नहीं है, सभी सॉन्ग उनके फेवरेट होते हैं। जो हमें वो इन्विटेशन भी उन्होंने दिया तो गाते गाते ही इन्विटेशन दिया, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। थैंक यू। देखिए बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि आज मेरी है 70th बर्थडे और सोनू की है 50th बर्थडे, तो हम लोग दोनों के लिए ये बहुत ही विशेष दिन है। और सोनू को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बेटे जैसा है, क्योंकि सोनू का फादर अगम जी और मैं, हम दोनों तब के दोस्त हैं जब ना मेरी शादी हुई थी ना अगम की हुई थी, तब से हमारी दोस्ती। तो अगम जी और हम तब से संगीत का मज़ा ले रहे हैं, फिर तो सोनू हुआ और उसके बाद सोनू ने देखिए तूफान मचा दिया, तो आज मुझे बहुत खुशी है। ज़रूर एक गाना है जो मैं भी गाता हूँ और सोनू भी उसको गाते हैं, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। काफ़ी चीज़ें एक जैसी हैं, वो ये है कि हम लोग संगीत से बहुत प्यार करते हैं, पहला ये, और हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, दूसरा ये है। तो मैं सोनू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उसको दुआएं भगवान से मांगता हूँ कि हमेशा खुश रहे। थैंक यू।